वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर इंग्लिश मेन कोर्स बुक। आज हम आपके इंग्लिश मेन कोर्स इंग्लिश 1 बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 4 तक कर लिया था। तो चैप्टर 5 में क्या है? द सन, मून एंड स्टार्स, सूरज, चांद और तारे। ठीक है, सूरज, सन, चांद, मून, स्टार्स, तारे, ये सब आप लोगों ने नेम सुने हुए हैं। आप सब लोग जानते हो सूरज क्या होता है, चांद क्या होता है और तारे क्या होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप इन सब के बारे में कुछ ना कुछ ऑलरेडी जानते हैं। अबाउट दी चैप्टर, सबसे पहले अबाउट दी चैप्टर मीन्स चैप्टर के पार्ट के बारे में। चैप्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है? वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। हम चांद को हम सूरज को, चांद को और तारों को आसमान में देखते हैं। ठीक है, आप लोग ये सब सूरज, चांद, तारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? आसमान में ही देखने को मिलते हैं, है ना। जब हम ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ तब हमें सूरज नज़र आता है ना। रात का टाइम हो तो चांद और तारे नज़र आते हैं। द सन राइजेस एंड देयर इज लाइट एवरीवेयर। सन राइज होता है मीन सूरज उगता है एंड देयर इज लाइट एवरीवेयर, और सब जगह, एवरीवेयर मीन सब जगह प्रकाश हो जाता है, सब जगह लाइट हो जाता है। अब देखिए चैप्टर पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इट इज़ मॉर्निंग टाइम, यह सुबह का समय है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। ठीक है, सूरज आपने देखा जब सुबह होती है तो सूरज एकदम चमका चमका सा होता है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, सूरज जो है वो राइज मीन्स उगता है ईस्ट में। राइजेस मीन्स उगना। सूरज कौन सी दिशा में उगता है? ईस्ट दिशा से उगता है, यानी पूर्व दिशा से उगता है। कब? मॉर्निंग में, सुबह के समय में। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूरज जो है हमें हीट एंड लाइट देता है। हीट मीन्स गर्मी, जिसे आप ऊष्मा भी कहते हैं, और लाइट मीन्स प्रकाश। सूरज हमें क्या देता है? गर्मी और प्रकाश, लाइट देता है, रोशनी जिसे हम कह सकते हैं वह देता है, है ना। सन आता है, आप देखो रात हो रखी होती है, फिर सुबह जब सन आता है उसके बाद में ही जाके क्या होती है? लाइट होती है। और सन जैसे 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 ऊपर आता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? गर्मी भी बढ़ती जाती है। सुबह सन आता ही है तो उस टाइम गर्मी नहीं होता, लेकिन जब दोपहर में सन पूरा आ जाता है तो उस टाइम क्या गर्मी हो जाता है। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, सन जो है फायर का, फायर मीन्स आग का क्या है? एक बड़ा बॉल है, बड़ी सारी आग की गेंद है। सूरज देखो इतनी गर्मी होती है उसके अंदर, है ना, तो कैसे लगता है? बड़ी सारी आग की गेंद जैसे। इट मेक्स अस वार्म, ये हमें वार्म मीन्स गर्म रखता है। अब देखो जब ठंडी का टाइम होता है, जब विंटर सीजन होता है, तो सबको धूप में बैठना पसंद होता है ना। क्यों पसंद होता है? क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। तो सन हमें क्या? गर्मी गर्म रखता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है वेस्ट में मीन्स पश्चिम दिशा में सेट होता है, ढलता है। देखो ये है ना आपके ऐसे डायरेक्शन होते हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इधर आपका सूरज जो है ये उगता है और इधर आपका सूरज जो है वो ढलता है। देन द नाइट बिगिंस, फिर उसके बाद में नाइट, रात, बिगिंस, बिगिंस मीन्स स्टार्ट होना, शुरू होती है रात, शुरू होती है। सन जब ढल जाते, सूरज जब ढल जाते, उसी के बाद में ही रात शुरू होती है ना। अब हम नेक्स्ट जो है आपका वीडियो में मून के बारे में और स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे
पढ़ेंगे कि मून और स्टार्स के बारे में क्या दे रखा है, तब तक आपको सन के बारे में क्या दे रखा है इसको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।